छपमानपुर नाम के एक गांव में हड़प सिंह नाम का एक धनवान का राज चलता था। वो जब चाहे तब अपने पैसों का बाल दिखाकर लोगों को अपने इशारों पर नाचवाता था। मुंशी, मुझे उस लाल चंद की गाय काफी पसंद आई है, जाकर उसे लेकर आओ। मैंने पहले ही कोशिश करके देख ली है साहब जी, वो नहीं दे रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, या तो छीन कर लाओ या चुरा कर, जैसे भी लेकर आओगे, वैसे भी उसके मुंह पर पैसे मारते हुए आना। ऐसा है हड़प सिंह और उसकी आदत। उसी गांव में मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो पहले हड़प सिंह की ही तरह धनवान हुआ करता था। फिलहाल वो मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा है। तारा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम जरा घर के पीछे वाले मशरूमों को उकट कर फेंक दोगी? अगर वो जीर्ली हुए तो मुश्किल हो जाएगी। चिंटू का भरोसा नहीं, वो कभी भी उसके पास जा सकता है। वो तो मैं साफ कर लूंगी जी, लेकिन आज शाम घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे भी करके आज थोड़े पैसे ले आइए। ये कहते हुए मनोज काम पर चला जाता है और शाम तक मेहनत करके घर लौटते वक्त उसे लालचंद मिलता है। कहाँ से आ रहे हो मनोज भाई, सब ठीक तो है ना? हाँ लालचंद, जब तक जान है तब तक जहान है। लुटेरों के दिल चल रहे हैं, कभी ना कभी अपना दिन भी आएगा। ये कहते हुए मनोज वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर देखा तो उसका घर एक मशरूम में बदल गया था और उसकी पत्नी और बेटा उसके बाहर खड़े थे। तारा, हमारा घर कहाँ गया और ये इतना बड़ा मशरूम कहाँ से आ गया? पता नहीं, मैं घर के पीछे से सारे मशरूम तोड़कर घर में रखकर चिंटू को स्कूल से लेने के लिए गई थी। लौटकर आने के बाद देखा तो ये मशरूम हाउस घर की जगह पर लगा हुआ था। ठीक है, इस पर दरवाजा लगा हुआ है ना? अंदर जाकर देखते हैं। ये कहते हुए मनोज अंदर जाकर देखता है। वो घर अंदर से काफी खूबसूरत और आरामदायक था। उस घर में एक संदूक भी था, जिसे खोलने पर हर बार एक नया फल निकल रहा था। इस बात का पता हड़प सिंह को चलते ही वो खुद चलकर मनोज के पास आता है। वो हड़प सिंह, मैं यही सोच रहा था कि गुट तो आ गया है, लेकिन मक्खियाँ नजर आ रही है। एक बार बर्बाद कर चुके हो, काफी नहीं क्या? चले जाओ यहाँ से। तुम्हें जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस ये मशरूम हाउस दे दो। मनोज काफी देर तक उसे मना करता है और हड़प सिंह उसे काफी देर तक मनाने की कोशिश करता है, इससे पहले कि हड़प सिंह उनसे वो घर जबरदस्ती से छीन ले। मनोज की पत्नी तारा थोड़ी सी होशियारी दिखाती है। ठीक है, हम तुम्हें ये मशरूम हाउस देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें तुम्हारा सब कुछ हमें देना होगा। लालच में अंधा हड़प सिंह उन्हें सब कुछ देकर वो मशरूम हाउस ले लेता है। कुछ दिन तो वो उस मशरूम हाउस में अच्छे से रहता है, लेकिन जैसे जैसे उस घर पर धूप पड़ने लगती है, मशरूम सूखने लगता है और उस पेटी में से फल निकलना भी बंद हो जाते हैं। अब हड़प सिंह के पास ना तो खाने को खाना था और ना ही करने को काम। उसकी हरकतों से सारे गांव परेशान था, इसलिए उसे कोई भी काम पर नहीं रख रहा था। इसलिए वो उसी सूखे मशरूम हाउस में रहते हुए गांव के बाहर बस स्टॉप में भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। उसे भीख भी अनजान लोग ही देते थे, क्योंकि उसने गांव वालों को उस हद तक परेशान किया था। उसकी हालत के बारे में जानकर मनोज हर रोज सुबह उसके लिए 3 वक्त का खाना उस मशरूम हाउस में भिजवा देता था और वो अपने पहले वाले घर में लौटकर अपनी पत्नी तारा और बेटे चिंटू के साथ
खुशी खुशी रहने लगते हैं। बादरपुर नाम के गांव के किनले से घर को लौट रहे लंगोट को एक फुटबॉल जितना बड़ा अंडा मिलता है। लंगोट उस अंडे को देखकर, इतना बड़ा अंडा, मैंने आज तक ना तो इतने बड़े अंडे के बारे में सुना था और ना ही कभी देखा था। क्या पता इसमें से डायनासोर के बच्चे निकल आए। ये कहते हुए लंगोट उस अंडे को अपने साथ लेकर जाता है और काफी दिनों तक उसके टूटने का इंतजार करता है। इस बीच में लंगोट सारे गांव में ये पुकारते हुए फिरता है कि वो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा धनवान बनने वाला है। क्या बात है लंगोट, बड़े खुश लग रहे हो, सच में धनवान बन गए क्या? अभी नहीं चाचा जी, और थोड़ा समय बाकी है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर बिना कोई काम किए ये सब कहकर फेरते रहे तो एक दिन तुम्हें उस लंगोट को भी बेचना पड़ जाएगा। कुछ दिन और चिल्लू भाई, फिर अपने आप सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ये कहते हुए लंगोट अपने घर चला जाता है और घर पहुंचते ही उस अंडे को देखने लगता है। कब बाहर निकल आएगा मेरे डायनासोर तू? मुझे सबके मुंह बंद करवाने हैं और ये तेरे बाहर निकलने से ही होगा। ये कहते हुए जाकर सो जाता है लंगोट और अगले दिन सुबह तक उसकी घर में से किसी चीज की आवाज आ रही थी। क्या हो रहा है ये सोचकर जाकर देखा तो उस अंडे में से एक गधे का बच्चा निकलकर नाच रहा था। ये क्या तमाशा है, मैंने सोने के पहाड़ के सपने देखे थे लेकिन ये तो पत्थर से भी बटर निकला। ये कहते हुए बड़े गुस्से में उस गधे की बच्चे को ले जाकर घर के बाहर छोड़ कर आता है लंगोट। ऐसे किसी काम से बाहर भी चला जाता है। उसके लौटने तक वो छोटा सा गधा उसके घर के सामने ही बैठा रहता है। लंगोट जिस काम से बाहर गया था वो बहुत अच्छे से हो गया था, इसलिए वो काफी खुश था। उस गधे को अभी तक अपने घर के सामने देखकर चुपचाप वहाँ से ऐसा चला जाता है कि जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं है। ऐसे ही एक दिन, सुना है लंगोट धनवान बनने के लिए गधा खरीद ले आया है? ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं एक सुबह वो गधा अचानक से मेरे घर पर आ गया। ये कहते हुए बड़ा गुस्सा होकर और शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है लंगोट और अपना सारा गुस्सा उस गधे पर निकलने के लिए उसे ले जाकर जंगल में छोड़ कर आता है। इतने दिनों से जिस लंगोट के साथ सब अच्छा हो रहा था अचानक से सब बर्बाद होने लगता है। ऐसे ही दो दिन गुजर जाते हैं और लंगोट इतना बर्बाद हो जाता है कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। लंगोट बड़ा उदास होकर अपने आप में बात करते हुए जंगल में चला जाता है। अगर गांव में गया तो वो लोग मेरा बहुत बुरा मजाक उड़ाएंगे। तभी उसके पास वो गधा आता है, कहीं पर ले जाने की कोशिश करता है। तब लंगोट, ये सब तेरी ही वजह से हो रहा है, अगर तू एक डायनासोर होता तो ये सब नहीं होता। मनहूस गधे कहीं क्या? ये कहते हुए गुस्से में ही सही लेकिन लंगोट उस गधे के पीछे जाता है। वहाँ पर एक छोटी सी बोरी पड़ी हुई थी, उसे खोल कर देखा तो वो बोरी सोने के सिक्कों से भरी पड़ी थी। उन सोने के सिक्कों को देखने के बाद लंगोट को ये एहसास होता है कि वो गधा ही उसकी किस्मत की कुंजी है, इसलिए उस गधे से माफी मांगकर उन सोने के सिक्कों के साथ घर जाता है। उन सोने के सिक्कों के साथ उसी बुरी हालत में गधे को लेकर घर के लिए निकलता है और कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा बंगला बनाता है, देर सारे गाड़ियाँ खरीदता है लेकिन कभी भी किसी के भी सामने अपने पैसों की अकड़ नहीं दिखाता है और अपने गधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, और मुझे अपनी बेवकूफी के लिए माफ कर दो।